अजीब मुकाम पर रुका है काफिला जिंदगी का, लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है कि एक व्यक्ति को धन की बहुत इच्छा रहती थी। सवेरे और शाम वह यही सोचता रहता कि किस तरह और धन कमाया जाए। उसने एक दिन परमात्मा की उपासना करने आरंभ की और एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बता क्या मांगता है? तो उसने कहा, मुझे अपार धन चाहिए। तो भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं तुझे चार कैंडल्स देता हूं। चारों कैंडल्स को एक एक करके जलाना। पहले तू एक कैंडल को जलाना और पूरब दिशा की ओर जाना। जहां पर वो मोमबत्ती बुझे वहां तू खुदाई करना। तुझे जो चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। अगर तेरा फिर भी मन ना भरे तो दूसरी मोमबत्ती को जलाकर पश्चिम दिशा की ओर जाना। वहां पर भी तुझे जो चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। और फिर भी तेरा मन ना भरे तो उत्तर दिशा की ओर जाना। पर बेटा एक बात ध्यान रखना, तू किसी भी तरह चौथी कैंडल को बिल्कुल मत जलाना। तो उसने कहा, ठीक है परमात्मा। और जैसे ही परमात्मा गए, उसने फटाफट अपनी मोमबत्ती जलाई और पूरब दिशा की ओर चल दिया। दोस्तों, जहां वो मोमबत्ती बुझी, उसने खुदाई की और उसे अशर्फियों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा पैकेट मिला। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे इतना धन मिल चुका था कि उसकी जिंदगी बड़े आराम से कटती। खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। पर तभी उसके मन में दस्तखत हुई कि भाई, पूरब में इतना मिला तो पश्चिम में कोई खास बात हो। तो उसने अपनी दूसरी मोमबत्ती जलाकर पश्चिम दिशा की ओर जाना भी आरंभ किया। वहां पर मोमबत्ती बुझी और वहां उसने खुदाई की तो उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े अशर्फियों के कई सारे पैकेट, अपार धन उसके सामने था। उसने सबको अपने पास रखा और इतना खुशी से आनंदित हुआ। उसने कहा, वाह, इससे तो मैं क्या, मेरे बच्चों का और अनेकों पुष्टों का जन्म कट जाएगा। तो सारा धन बटोर कर अपने घर जाने लगा दोस्तों। पर फिर मन तो मन था, आधे ही रास्ते पहुंचा था तो मन ने कहा कि भाई, पूरब और पश्चिम में इतना तो उत्तर में कोई और बात है। तो वो उत्तर की ओर भी चल गया। वहां उसने फिर मोमबत्ती बुझने पर खुदाई की तो उसे एक सोने का रथ दिखा जिसपे अपरम अपार धन था। अब तो उसका खुशी का ठिकाना है। उसने कहा, भाई मैं तो अपने इस शहर का सबसे बड़ा साहूकार बन जाऊंगा। इससे ज्यादा धन की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और उसने फटाफट उस धन को बटोरा और कहा कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, अब मैं अपने घर जाता हूं। और दोस्तों, वो घर से कुछ ही कोस दूर था तो मन ने कहा कि भाई दक्षिण दिशा में भी जाकर देख। तो उसने अपनी चौथी मोमबत्ती भी जला ली और दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। वहां खुदाई की, अंदर एक बहुत बड़ी कोठरी थी, वहां गया तो वहां देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति चक्की पीस रहा था। उसने कहा, भाई यहाँ पर धन कहाँ है? तो उसने कहा, आओ तुम यहीं बैठो, अब तुम मेरी जगह लो। तो उसने कहा, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि मैं आज से 5 साल पहले यहाँ आया था और मुझे किसी ने कहा था कि तुम इस चक्की से तब आजाद होगे जब तुमसे भी कोई लोभी व्यक्ति यहाँ पर आएगा। अब तुम इस चक्की को पीसो और मैं यहां से बाहर जाता हूं और अब मैं आजाद हूं। तो दोस्तों, आज का मानव अपनी जिंदगी में दोस्तों केवल सामान बटोरने में लगा है, लेकिन उस सामान को बटोरते बटोरते कहीं ना कहीं हमारे मन का सुकून, हमारे मन की सुख और शांति जो है वो हमसे छिन चुकी है। जहां धन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, और दोस्तों धन को कमाना कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन जब हमारी जरूरतें हमारे लालच हमारे लोभ में परिवर्तित हो जाती हैं दोस्तों, तो हमारा चैन हमारा सुकून हमसे खींच लेती है। आज अपने ही जीवन को देखिए, कुछ पल सुख और चैन से अपने मित्रों के साथ गुजारने के लिए हम निकाल पाते हैं। दोस्तों, सवेरे से शाम मानव भाग रहा है और की जो इच्छाएं हैं वो कभी समाप्ति होती नहीं दिखती। आज बहुत जरूरत है अपनी जिंदगी में सुख और शांति को वापस लाने के लिए। जिस खुशी और आनंद को हम प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, वो धन और हमारा भौतिकता हमको नहीं दे सकती। दोस्तों, धन केवल हमें सामान दे सकता है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर सुकून हमारे शेष संकल्पों के द्वारा हमको प्राप्त होता है। तो चलिए, आज इस भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर कुछ पल अपने जीवन के अंदर सुकून को भी ढूंढें। उस सुकून को अपने जीवन में लाकर, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाकर, खुशी और आनंद से परिपूर्ण हम अपना जीवन व्यतीत करें। ओम शांति।